बहुत सारे कभी बैंगलोर कभी भैने साहब दर्शन मेले होंगे रहे हैं पागा वाले अच अमृत वेले तो किसी आसा दिवान भी सुनी है हर जस सुने निशान सिंह तो बच्चों ने भी भाग लिया तो शाबाशे उन्होंने मापिया के जिन्होंने बच्चों को साखियां सिखाइया ने बच्चों को गुरबाणी सिखाई है बच्चों को शब्द सिखाए ने मैं एक गल करनी चाहना कि सिख सिखी की है बहुत बारी मैं दोहराना पर मैं आज फिर उस गल तो शुरू करना कि किसी भी धर्म एक सवाल आएगा कि सिखी का की फर्क है हालांकि मैं कभी भी किसी भी धर्म को माड़ा नहीं कहता पर टाइम लगता है किसी भी धर्म में जो कट्टरता आ जाती है जो ये आ जाता है कि मैं उच्चा मेरा धर्म उच्चा दूजे सारे माड़े ने उदों उस धर्म का फायदा होने की थान नुकसान हो लग जाता उस धर्म का मैं समझता कोई फायदा नहीं होता उस धर्म तो कई बार इस तरह होंगे उस धर्म तो बिना ही इंसान चलता है किस तरह होया जे आप इतिहास देखिए धर्म के नाँ पर बहुत लड़ाइया हो पंजाबी होंदी तो मेरी भी जनरेशन उस तो बाद पैदा हुई है पर जिन्होंने भारत पाकिस्तान की वंड देखी है वो समझते हैं कि धर्म के नाँ पर किस तरह हिंदुओं के सिखा ने मुसलमानों को मारिया तो मुसलमाना ने हिंदुओं के सिखा मारिया गया किस तरह कतल हुए बहुत पुरानी गल नहीं 1984 की होया उस तो पहला की होया उस तो बाद 2000 तो बाद गुजरात में की होया और साडे जिन्होंने असं खाड़ी देश कहने उन्होंने की हो रहा सो मैं इस गल करके गल करना चाहना कि गुरु नानक ने तुहानूं वो धर्म दिता है अपने बाहरले पहरावे वक्खो वक्खरे हो सकते हैं अपनी पूजा करन दे ढंग वक्खो वक्खरे हो सकते हैं सब तो पहला धर्म की करता है हैवान तो इंसान बनाते जिन्ना चिर तुसी चंगे इंसान नहीं बनते तुहाडे मन विच किसी वास्ते दया नहीं उठती उन्ना चिर धर्म के रस्ते ते चलना ही मुश्किल है उन्ना चिर धर्म की आप मत्था टेकन धर्म नहीं सिर्फ आप कह लिए कि असं गुरुद्वारे जाके मत्था टेक आए मेरे हिंदू वीर मंदिर जाके मत्था टेक आए उन्ने धर्म नहीं धर्म तो जीवन जाच है धर्म तो थोड़े अंदर है धर्म थोड़े मन की अवस्था है सो थोड़े मन की अवस्था की है थोड़ा जीवन कितने है सो असी इतने चलना सो मैं अर्ज कर रहा कि बड़ी उच्ची सच पातशाह ने सानू सिक्ख्या दिती है शायद तो बहुत सारों पता होएगा जिहड़े गुरबाणी नाल जुड़े ने कि गुरबाणी विच साढ़े सिर्फ छे गुरुआं की गुरबाणी है मैं आदि गुरु ग्रंथ साहिब की गल करदा कि सिर्फ साढ़े छे गुरुआं की गुरबाणी है इन नहीं पता नहीं जिहड़ा भी सतगुरु सच्चे पातशाह नूं मिलिया भावें वह हिंदू सी भावें वह मुसलमान सी भावें वह महाराष्ट्रियन सी भावें वह बनारसी सी जिहड़ा परमात्मा नूं मिलिया होया सी जिहड़ा अद्वैत होया सी हर कोई गुरबाणी है बिना किसी इस भेदभाव तो कि यह कित्थों आया ये मोना है कि सिख है ये पंज ककार ने कि ये छे ककार ने सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्हां सारिआं नूं उस गुरबाणी में जगह दित्ती जिन्हां दे अगे असी मत्था टेकते हैं सो मैं एक गल करदा कि अपना जीवन बनाउणा सो सतगुरु सच्चे पातशाह दया की गल करदे हां शुरू में ही गल करदे हां तुसी बहुत सारे जपी साहिब पढ़ते हो सुनते हो सच्चे पातशाह हुकम करदे ने धौल धर्म दया का भूत सो जिन्ना चिर साडे अंदर दया पैदा नहीं होंदी मैं अगे भी बहुत बार कहना कि तुसी किते भी जांदे हो स्कूल जांदे हो कॉलेज जांदे हो कुछ मापदंड होंगे ने कि मेरे बच्चे ने
ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੈਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਅਨਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਾ ਉਪਜੀ ਭੁੱਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਫਿੱਕ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾ। ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ PhD ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਡੌਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਭਾਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਦਿਆਂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ
मैं सच से चलांगा तो थोड़ा विश्वास है थोड़ी प्रतीत है कि जे मैं सच से चलांगा मैं झूठ नहीं बोलांगा जो मेरा देना बनता है मैं देवांगा तो गुरु मेरे नाल है वो मेरा गुरु ये तो मेरी ताकत है ये झूठ ये मेरिया चलाकियां ने पर गुरु मेरा सब तो महान है जे मैं गुरु का हुक्म मनांगा तो गुरु सदा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू रहे छुड़ाएगू वो मैनू छुड़ा लेगा सो मेरी ताकत वड्डी है कि मेरे गुरु की ताकत वड्डी है मेरी ताकत बहुत छोटी है सतगुरु राम सिंह सच पातशाह हुक्म करते हैं रहतनामे खिमा तीरज रखना पाई खिमा तीरज वालिया के गुरु सदा अमसर ने सो छोटे छोटे बचन ने पर इन बचना के चलन की लौड़ है इन्हों से चलना बड़ा औखा हो जाता है क्योंकि असं माया में भुल जाते हैं असं गुस्से भुल जाते हैं सानू असी वो विकारा में फसे हाँ ये मेरा है ये मैं किया जिन्ना चेर मैं अपने पता बड़ी उपरली गल है पर फर्क की है साढ़े तो परमात्मा में पड़ता कहता सिर्फ एक अहंकार का पड़ता जिन्ना चेर मैं जिन्ना चेर मैं नहीं मुकती उन्ना चेर मेल नहीं होंदा उन्ना चेर अद्वैत नहीं अद्वैत नहीं होंगी पापेरी के पाप परदो बिन पेखा दुरायो कि जिन्ना चेर मैं देखता नहीं मैनू दूर जापता क्योंकि एक बड़ा छोटा जहा पड़ता है वो पड़ता कहता है अहंकार का पड़ता है वो पड़ता यह है कि मैं जदों ये हो गया कि तू करता करना मैं ना ही जा हाओ करी ना हो बलिहारी कुदरत वस्या और तू कुदरत वस्या होया तू हर कुछ वस्या होया ये गल् थोड़िया जी ये जरूर ने कि गल् बहुत अगे दियाँ ने पर आप उस रस्ते तुरते हैं वापस उत्थे आया हो कि दया का रस्ता जोड़ा बहुत चंगा है जो असी दया के नाल नाल चीज़ा आ जाए ने जो असी किसी से दया कर लग जाने असी ईरखा भी छड़न लग जाने वो सच पातशाह मेरे के पंजवें पातशाह हुक्म करते हैं परका बुरा न राखो जीत तो की होएगा तुमको दुख नहीं आई मीत जे तुसी अपने मन में किसी का बुरा ही ना सोचोगे तो थानू दुख ही नहीं है जो थोड़े अंदर कभी ईरखा ही नहीं होएगी छोटा जहा बचन मनना भी सौखा नहीं गा किसी के अंदर किसी वास्ते ईरखा ना रखनी भी सौखी नहीं ये औखा है पर असी ये रोज़ बचन पढ़ा रोज़ एक दुख असी ले लवेंगे सानू कभी ना कभी याद तो आएगा मैं अगे भी बचन करता ना एक वो समा सी जदों उस समय से ये गल करते कि जिस सिख न सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह वेले तो थोड़ा चिर बाद सतगुरु प्रताप सिंह वेले दे बचन ने कि जिस सिख नूं भाणे दे बचन याद नहीं आउंदे वो सिख सिख नहीं रह जाता सो मैं उस रूप नूं अज दे समय विच ही करदा कि जे तुहानूं सतगुरु की परमात्मा की सतगुरु राम सिंह की गुरु नानक की कभी याद नहीं आउंदी तुसीं भुल गए हो बड़े दिनां च लंघ गए हो फिर की असी सिख रह सकांगे मैं उस तों उपर गल नहीं कहिंदा फिर साढ़े अंदरों जे याद ही निकल गई फिर सिख रहना बहुत मुश्किल सो कोई गुरबाणी की तुक लैके उस पातशाह को प्यार कर लो कि सच्चे पातशाह तो मैनू किड्डा वड्डा खजाना दिता उन्हू दिलों याद कर लो सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह तो मैनू उस सिखी दे नाल जोड़ के रखिया जिदे विच किसी की ईरखा नहीं सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह बड़ी बहुत वारी गरीब नवाज गुरबाणी का प्रमाण दिंदे हुंदे सी मन अपने ते बुरा मटाना पेखा सकल सृष्ट साजना किन्ने वड्डा वचन है कि अपने मन से बुरा मिटा दे सारी सृष्टि नूं साजन देख सारी सृष्टि नूं परमात्मा देख सारी सृष्टि नूं प्यारा देख हौली हौली जे आपां इह गल्लां करांगे आपां अपना मन लावांगे आपां नाम संगत च लगांगे गुरु साहब ने सानू रस्ते दसे ने गुरु साहब ने सानू रस्ते दिते ने किरत करो नाम जपो वंड छको सतगुरु निशान होने गल कर रहा है बराबरता की कितनी वधिया बराबरता सिखाई है शायद आनंद कार्ज की गल करता सी कट्ठे बह के लंगर छकना कितनी वड्डी गल दिखाई है अज कितें वो है कि तुहाडे समाज तो बिना किसी धार्मिक स्थान तो बिना होएगा कई मंदिरों भी होएगा मैं नहीं कहता कितें अमीर तो गरीब कितें नीवी जाति तो छोटी जाति कितें इस तरह कट्ठे बह के खाते हैं
वो थान है कि जिते सानू इकट्ठे बह के लिया ने। तो जे वंड छकण की आप गल करते हैं तुम कि जाके मैं थोनों भी अर्ज बेनती करता कि साढ़े देश में बड़ी गरीबी है, कि जाके इकट्ठे होके अपने हाथी बना के लंगर छकाओ, लंगर छका के अपने वड्डे भाग समझो कि मेरे धन भाग ने, मैं अज किसी की सेवा की है, करने वाला मैं नहीं पातशाह, कराने वाला तू है, पर जे तू मैं किसी की सेवा करन दा मौका दिता है, किसी तरह भी तू मैं किसी की सेवा करन दा मौका दिता है, तो मैं धन हो गया, तू मेरे ते ही कृपा की है। सो सिखी एक बड़ा प्रैक्टिकल जिहा रस्ता है, बड़ा चंगा रस्ता है, बड़ी सोहनी जीवन जांच है। ये साढ़े बारे रूप ने, पांच कतार ने, असं केस नहीं कटाने, अमृत छका के असं नहीं कटाने। पर मैं नाल ये भी अर्ज करदा कि जिन्हों ने केस कटा लिया असं उन्होंने घृणा भी नहीं करते। साढ़े गुरु साहब के दरबार में हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, और सच्चे पातशाह दे बड़े प्यारे सिख होए, वो कई वो भी होए जो अमृतधारी सिखा नालों भी चंगे होए। असी किसी से घृणा नहीं करते, पर ये उन्होंने हुक्म है। सो अमृतधारी कर अमृत छक के साड़ी ये पांच ककारा की मर्यादा है। जदों असी पांच ककारा की मर्यादा रखते हैं, एक मैं छोटी जी गल प्यारी होर भी करते हैं। अज निशान सिंह ने गल की सी कि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने बीबिया अमृत छकाए, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने जदों जदों की जरूरत होंगी उस समय किया। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वाले वो जरूरत सी कि छोटे वड्डियां नूं एक जगह ते लिआउणा सी, ये दिखाउणा सी कि लड़न वाले सिर्फ मुसलमान जां क्षत्री नहीं जां मुगल नहीं, मैं हरेक नूं लड़ा सकदा। वो सच्चे पातशाह अमृत छका के एक एक नूं सिंह बना दिता, एक एक नूं शेर बना दिता। उस समय उस वक्त की जरूरत सी, सतगुरु राम सिंह वाले की जरूरत सी कि माइया नूं असी सैकंड क्लास सिटीजन ना समझिए, असी उन्होंने कमोडिटी ना समझिए, असी कुड़ियां नूं मारीए ना। सो मैं अर्ज बेनती कर रहा कि जे असी ये मान नाल गल करते हैं कि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने बीबिया नूं अमृत छकाया, तो जे असी सिंघां नूं कहने बीबिया नूं अर्ज बेनती करता भी तुसी भी केस ना कटाया करो, उन्हां केसां विच अमृत पिया, उन्हां केसां दा सत्कार करिया करो। एक बार मैं याद करता हुआ फिर एक बार बड़े प्यार नाल आखिए, धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने आप एक सिख का जीवन रह के साडे लिए एग्जाम्पल सैट किए, सिखी की कदर किस तरह की। सच्चे पातशाह कभी केस भी लाते सी, एक केस फड़ के इकट्ठा करके डब्बी च पाते सी कि एक कूड़े में ना चला जाए, ये मेरे दसवें पातशाह का अमृत पिया है। केस इस ढंग नाल वो केसा का सच्चे पातशाह ने सत्कार किया। बड़ी बारी गल की है कि कहें लोग नामधारी गुरबाणी का सत्कार नहीं करते, जिस तरह असी सत्कार करते देखे ने इस तरह कोई सत्कार करता ही नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह के कोल बैठा कोई गुरबाणी की तुक पढ़ दे, सच्चे पातशाह मंजे पर बैठे हो, उठ के थले बैठ जाते, ये मेरे पातशाह की गुरबाणी जो तू तुक पढ़ रहा मैं उत्ते बैठ के नहीं सुन सकता, गुरबाणी उत्ते बैठ के नहीं सुन सकता। इस ढंग नाल गुरबाणी का सत्कार किया। पर मैं ये अज बेनती करना, वो ही रिपीट करना जो सच्चे पातशाह ने हुक्म किया कि गुरबाणी नूं एक ज्ञान समझिए। गुरबाणी ज्ञान है, गुरबाणी फिलोसफी है, गुरबाणी को पढ़ के उस रस्ते ते चलण की लोड़ है। जरूर ये जरूर है कि तुसी बहुत सारे आखोगे समझ नहीं आती, पर हुणे आपां बड़े प्रमाण दिते ने, बड़ियां गल्लां कीतियां ने, जे तुसी समझण की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगी। तो जे असीं सिर्फ मत्था टेकण तक रह गए, फिर जिन्हां चीज़ां जो सानूं गुरु नानक पातशाह ने कढ़िया सी, फिर असीं भी उत्थे दे उत्थे। सो ये ज्ञान सानू सच्चे पातशाह ने बख्शिया, बहुत वड्डा ज्ञान बख्शिया। वो ज्ञान जिथे धर्म की कोई बाउंडरी नहीं, जिथे देशों की कोई बाउंडरी नहीं, जिथे रेस की कोई बाउंडरी नहीं, और वो ज्ञान जिहड़ा 500-600 साल पहला भी रेलीवेंट सी, अज भी रेलीवेंट सी, जिहड़ा आज तो लैके अंत तक तुहाडे रेलीवेंट रहना, इत्थे भी रहना, अगे भी रेलीवेंट रहना, वो ज्ञान है। हौली हौली समझण की कोशिश करो, उस रस्ते ते तुरो, जदों आप गल करा, आप बैठ के और डिस्कशन करा, तो आप ही चंगा लगन लग जाएगा। तुम इतने बैठे वो गल किसी वेले थोड़ी देर कर लिया, तो अपने आप ही मन चंगा बन जाता, तो समझ भी आने लग जाती है। सो ये अर्ज बेनती करता कि तुम बड़ी कृपा कर संगत जी इस टाइम में माया में लगे हुआ है, माया प्रबल भी बड़ी है, क्योंकि माया भी उस परमात्मा ने बनाई हुई है, ये दुनिया भी वो बनाई हुई है, उस तो बिना तो किसी का कुछ बनाया ही नहीं, ये भरम भी वो पाए हुए हैं, पर भरमां चो निकल के वो
ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢੋ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਈਰਖਾ ਕੱਢੋ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਦੁਵੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਅਰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵੈਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਦੀ ਖੈਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।